महाराष्ट्र के पुणे में बड़ा हादसा। बिहार के 5 मजदूर की मौत से सनसनी। यरवदा इलाके के शास्त्री नगर में 3 फरवरी की देर रात एक बड़ा हादसा हो गया। निर्माणाधीन मॉल के स्लैब गिरने से कटिहार के 5 मजदूर की मौत हो गई। मृतकों में 2 आजमनगर प्रखंड के तो वही 2 वर्षो प्रखंड और 1 कदवा प्रखंड के बताया जा रहा है। वही इस दर्दनाक हादसे के बाद जिला प्रशासन लगातार पुणे प्रशासन के संपर्क में है। साथ ही जिला प्रशासन मृतकों के परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। पुणे हादसे में कटिहार के 5 मजदूर की मौत है, क्या जानकारी है कटिहार प्रशासन से? देखिए, ये बिल्कुल सही सूचना आपके पास है। 3 तारीख को महाराष्ट्र के यरवदा में शास्त्री नगर क्षेत्र में एक मॉल के निर्माण के क्रम में उसके बेसमेंट का स्लैब टूट जाने से कटिहार जिले के 5 मजदूरों की दर्दनाक मृत्यु हो गई है, जो कि बहुत ही दुखद घटना है। और इसकी सूचना हम लोगों को प्राप्त हुआ है, उसके बाद से हम लोगों ने आवश्यक कार्रवाई करते हुए SDO बारसोई, जो अभी CLR प्रभार में है, उनको हम लोगों ने नोडल अफसर के रूप में नामित किया है। और उन्हें यह निर्देशित किया गया है कि डेड बॉडी को बागडोगरा हवाई अड्डे से मजिस्ट्रेट के साथ एस्कॉर्ट करा के पुलिस की उपस्थिति में उसको लाके उनके परिजनों को सौंपना है, जिसकी कार्रवाई उन्होंने प्रारंभ कर दिया है। साथ ही उसकी अंत्येष्टि भी करानी है। डेड बॉडी लाने के लिए एम्बुलेंस आदि की पर्याप्त संख्या में व्यवस्था करने हेतु सिविल सर्जन को भी निर्देशित किया गया है। उनके स्तर से भी कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। सभी कहाँ के हैं मजदूर? ये सभी मृतक बारसोई अनुमंडल के हैं, उसमें से कदवा में 1 है और आजमनगर में 2 है और बारसोई में 2 है। तो सभी अंचल अधिकारियों को भी अलर्ट मोड में रखा गया है और यरवदा के जो तहसीलदार हैं उससे हम लोग लगातार संपर्क में हैं। अभी जो सूचना हम लोग को मिली थी 1 घंटा पहले, उसके हिसाब से पोस्टमार्टम की कार्रवाई जारी थी। यरवदा में पोस्टमार्टम होने के पश्चात जैसे ही वो हवाई अड्डे पे डेड बॉडी आएगा, हमको सूचना मिलेगी और हमारी टीम उनके लगातार संपर्क में है और मुस्तैदी के साथ हम लोग लगे हुए इस दुख की घड़ी में, और हम लोग उनके परिजनों के साथ हैं। और प्रशासन का जो SOP है, चाहे वो आपदा प्रबंधन विभाग का हो चाहे श्रम संसाधन विभाग का हो, हम लोग उसके तहत उनके परिजनों को लाभान्वित करने की कार्रवाई प्रारंभ करते हैं।